लेकिन गाइस यार जैसे तैसे करके जो हमारी फ्रेंड होती है वेरा, उसने हमें कैसे भी करके उस गैंगस्टर माफिया से बचा लिया था। एंड गाइस यार अब जो है उस वेरा ने हमें एक ईमेल नाम के बंदे से मिलाया था, जैसे कि आप सब लोगों को याद होगा। एंड उस ईमेल नाम के बंदे ने जो है हमें कुछ ऐसे मिशंस बताए हैं जिससे गाइस यार हम उस माफिया को इजीली तरीके से मार सकते हैं। एंड गाइस यार आप लोग सोचोगे भी नहीं, गाइस यार ऐसे ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं एंड इतना खतरनाक लेवल का उसने एक मतलब की मिशन बनाया है जिससे गाइस यार हम लोग उस फ्रैंक को इजीली तरीके से मार सकते हैं। तो गाइस यार काफी ज्यादा मजा आने वाला है एंड उम्मीद करूंगा गाइस यार आप लोगों को ये भी एपिसोड पसंद आएगा। ओके तो गाइस यार अभी जो हमारी ईमेल से सारी की सारी बातें हो चुकी है। एंड गाइस यार ईमेल ने जो है हमें ये बोला है कि एक मैं तुम्हें सीक्रेट बात बताता हूँ जो कि है हमारी फ्रैंक और वेरा के बारे में। गाइस यार ये जो फ्रैंक और वेरा है ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब गाइस यार ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि आखिर यार ये एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे हैं। सो और साथ ही साथ में गाइस यार ईमेल ने जो है हमें आने वाले आगे एक मिशन के लिए भी मुझे कुछ बातें बताई है कि हमें किस तरीके से फ्रैंक को मारना है। तो उसके लिए गाइस यार उसने जो है हमें एक अच्छी सी गन भी है यहाँ पे और एक अच्छा सा भाई साहब ये क्या बोलते हैं इसको बेस बल्ला ही बोलते हैं ना गाइस यार इसको, मुझे इतना याद नहीं है अभी, बेस बॉल बोलते हैं ऐसे कुछ है। चलो ठीक है अभी फिलहाल गाइस यार हम जो है वेरा के पास में निकलते हैं क्योंकि गाइस यार मुझे वेरा का अभी कॉल आया था कि जल्दी से मुझे आके मिलो। सो ठीक है फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं वेरा के पास में और वेरा आखिर यार क्या कहती है वो बाद में हमें देखने को मिलेगा। सो ठीक है फटाफट चलते हैं गाइस यार वेरा के पास में, लेट्स गो। अभी यार गाड़ी किसी से लेनी पड़ेगी मुझे भाई, गाड़ी यार क्या है भाई कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। चलो ठीक है रुको यार अभी फटाफट निकलते हैं। एंड मुझे क्या लगता है ना गाइस यार हम लोग थोड़ा सा ना वेरा को बोलेंगे कि यार हमें यार कोई एक अपनी अलग से पर्सनल गाड़ी चाहिए। चलो ठीक है गाइस यार अभी सबसे पहले यहाँ से कोई गाड़ी लेते हैं। अबे ओए रुक साले तेरी भैंस की टांग तेरी, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, उतरो सालो यहाँ से, उतरो निकलो बाहर, चलो यहाँ से साला आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, इनको पता है नहीं अभी हम आ चुके हैं इस सिटी के अंदर। सो ठीक है गाइस यार फटाफट निकलते हैं गाइस वेरा के पास में क्योंकि वेरा काफी टाइम से हमारा इंतजार कर रही है, लेट्स गो। एंड बाकी यार रात में यार इसके जो है ना ग्राफिक वगैरह क्या ही कमाल के लग रहे हैं भाई, सही से बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोगों को यार ये ग्राफिक कैसे लग रहे हैं। बाकी नाइट के अंदर भी देखो यार कितना मस्त लग रहा है, मतलब कि क्या ही बोलूं मैं। लेकिन चलो ठीक है अभी फिलहाल निकलते हैं अपन वेरा के घर पे एंड देखते हैं गाइस यार आखिर वो स्टेट पे मेरे भाई क्या यार। चलो ठीक है अभी फिलहाल देखो निकलते हैं वेरा के घर पे एंड देखते हैं गाइस यार आखिर वेरा में क्या बोलती है, लेट्स गो। ओके तो गाइस यार अभी हम आ चुके हैं वेरा के पास में एंड गाइस यार पता नहीं यार ये आखिर वेरा हमें बार बार क्लब की साइड में क्यों बुलाती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं अभी हम चलते हैं गाइस अंदर एंड देखते हैं गाइस आखिर वेरा क्या बोलती है, लेट्स गो। ओके ओके ऑलराइट गाइस यार अभी जो है हमारी वेरा से सारी बातें हो चुकी है। एंड गाइस यार वेरा ने हमसे ये पूछा है कि तुम ईमेल से मिलने के लिए गए थे तो ईमेल ने तुम्हें क्या कहा। अब यार मैंने सिंपल सा यही बोला है कि ईमेल ने जो एक मिशन रेडी किया है फ्रैंक को मारने के लिए। एंड दूसरी चीज गाइस यार मैंने पूछ ली उससे कि ईमेल ने मुझे ये बोला है कि फ्रैंक और वेरा मतलब कि तुम दोनों में ऐसे जानी दुश्मनी क्यों चल रही है। अब गाइस यार वेरा ने जो इस चीज का बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं दिया है, अब पता नहीं गाइस यार आखिर क्यों जवाब नहीं दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं अभी जो है गाइस यार हम इस चीज के बारे में बाद में देखेंगे। लेकिन गाइस यार अभी जो है वेरा ने हमें एक काम बताया है जिससे हमें भी कुछ फायदा हो सकता है। अब वेरा ने गाइस यार हमें ये बोला है कि तुम मेरे साथ में इधर काम करने वाले हो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। एंड दूसरी चीज ये है कि अभी यहाँ पे जो है कुछ फ्रैंक के कुछ मेंबर आए हुए हैं जिनसे गाइस यार हम लोगों को है मार के पैसा लेना है। चलो ठीक है अभी देखते हैं गाइस यार आखिर वो लोग है कौन एंड जो भी है गाइस यार हम लोग देख लेंगे। ठीक है आखिर देखते हैं कौन है। ओके तो मुझे लगता है गाइस यार ये यहीं पे है। ओके यहाँ पे शायद से वही होंगे। चलो ठीक है अभी ये यहाँ पे वेरा से बात कर रहा है। ओके चलो ठीक है गाइस यार इन लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि गाइस यार इतनी देर हो गई हाथ की सफाई नहीं की हम लोगों ने एंड ये जानते नहीं है भाई हम एक आने वाले टाइम के बहुत बड़े बॉक्सर भी होने वाले हैं। सो ठीक है बॉक्सर तो वैसे भी हैं हम। ओके तो आजा बैठो आजा साला ये जानते हैं नहीं कुछ। अबे साले तू मेरे व्हाइट वाले ने मेरे बुद्धि में मारा है, रुको भाई इसके ना हाथ पग अभी तोड़ूंगा, तू आ चल
इस भैंस की टांग तेरी मुंह पे मार इसको। चलो ठीक है गाइस दोनों को ओके चलो ठीक है भाई तू भी आ जा। जितने होंगे ना उतनों को मारूंगा। अब यार देखो मुझे पता था कि यही चीज होने वाली है क्योंकि यार इतने दिन हो गए ना हाथ की सफाई की नहीं हमने। ओके तो क्या खत्म हो गए इतने ही देर तेल तुम्हारे हाथों में। अबे अच्छा अच्छा बेटा तू आ चल चल रवाना हो तेरी भैंस की टांग तेरी। ओके चलो ठीक है गाइस यार अभी जो हमने इन लोगों को मार दिया एंड फटाफट से इस बॉक्स को उठाते हैं एंड यहाँ पे चलो अभी वेरा से बात कर लेते हैं ठीक है। एंड यही पूछ रहा होगा कि आखिर ये पैसे लेके आने कहाँ पे है यही सब चीजें हैं। ओके देखते हैं सोल्ड राइट गाइस यार अभी जो हमारी सारी की सारी बातें हो चुकी है वेरा के साथ में। एंड गाइस यार वेरा ने हमें अभी ये बोला है कि जल्दी से जल्दी तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि गाइस यार यहाँ पे जो अभी कभी भी पुलिस आ सकती है। सो ठीक है अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एंड साथ ही साथ गाइस यार हमें अभी वेरा ने ये बोला है कि तुम थोड़ा आगे निकलो और उसके बाद में मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड करती हूँ वहां पे जाके तुम्हें एक गाड़ी को चुराना है। अब गाइस यार मैंने ये पूछा कि गाइस यार ये आखिर गाड़ी है किसकी तो ये बोला है कि ये फ्रेंक के किसी और मेंबर की है। अगर गाइस यार हम लोग वहां से गाड़ी चुराते हैं मतलब कि गाइस यार हम लोगों ने यहाँ पे इनको कुछ बंदों को मारा है तो जरूर गाइस यार यहाँ पे फ्रेंक आएगा या कुछ अपने मेंबर्स को भेजेगा उनको देखने के लिए ठीक है। एंड उसके चक्कर में क्या होगा कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा हम किसी और जगह पे जाके जहाँ पे मतलब कि वो लोकेशन सेंड करेगी वेरा उस जगह पे जाके हम उस गाड़ी को चुरा सकते हैं। सो ठीक है वो गाड़ी चुराने के बाद में गाइस यार हमें वेरा ने बोला है कि उस गाड़ी को पैस देना। सो ठीक है गाइस यार फटाफट से हम निकलते हैं गाइस एंड देखते हैं गाइस यार क्या आखिर वो गाड़ी कहाँ पे है लेट्स गो। सो ऑलराइट गाइस यार अभी जो हम आ चुके हैं वेरा की उस लोकेशन पे एंड गाइस यार वेरा ने हमें उस लोकेशन को सेंड कर दिया है एंड यहाँ पे जो है मुझे लगता है ये गाड़ी है। तो ठीक है फटाफट से गाइस यार इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं एंड देखते हैं गाइस यार आखिर वो गाड़ी कौन सी है। ओके तो ये है गाइस यार इनकी कोई फ्रेंड के कोई मेंबर है इनकी गाड़ी इस गाड़ी को लेके हमें निकलना पड़ेगा। एंड जैसा कि गाइस यार यहाँ पे अभी तक तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है दूर दूर तक ना तो कोई पुलिस वाला। सो ठीक है फटाफट से गाइस यार इस गाड़ी को लेके निकलते हैं एंड भाई यार ये क्या हो गया भाई मेरे पीछे इतनी ज्यादा पुलिस कैसे पड़ गई। ठीक है गाइस यार फटाफट से गाइस यार इस गाड़ी को लेके निकलते हैं। अबे यार जल्दी निकाल नहीं तो साला पुलिस वाले आके मेरी फाड़ के रख देंगे। लेट्स गो फटाफट से गाड़ी लेके निकलते हैं एंड जब तक गाइस यार कोई देखता नहीं है तब तक गाइस हम यहाँ पे फटाफट से इस गाड़ी को बेच देंगे। लेट्स गो उसके बाद में गाइस यार हमें जो है वेरा से जाके भी मिलना है क्योंकि गाइस यार वेरा ने जो है हमें काफी देर हो गई बुलाया था मिलने के लिए। सो ठीक है फटाफट से हम लोग उससे बात भी कर लेंगे। सबसे पहले तो गाइस यार इस गाड़ी को लेके निकलते हैं एंड बेचते हैं इस गाड़ी को ताकि गाइस यार हम सेफ तरीके से जो है इस गाड़ी को बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। लेट्स गो। सो ऑलरेडी गाइस यार अभी जो हमारे पीछे से पुलिस हट चुकी है एंड गाइस यार अभी हम फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलते हैं बेचने के लिए ताकि गाइस यार इनसे कुछ पैसे आएंगे तो हम यार आराम से ना फुल जाकर मजा कर सकेंगे एंड कुछ पैसे जो है वेरा को भी दे सकेंगे। सो ठीक है फटाफट से गाइस यार इस गाड़ी को बेचने के लिए निकलते हैं। लेकिन एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं कि यार आखिर गैराज वगैरह या जहाँ पे भी हमें ये गाड़ी को बेचना है तो आखिर ये है कहाँ। ओके चलो ठीक है गाइस यार हम लोगों को जो है यहाँ पे जाना है ठीक है मार्क लगा देते हैं ताकि गाइस यार हम लोग जो आराम से इस जगह पे पहुंच सकेंगे। अभी यार मार्क लग जा चलो ठीक है अभी हम फटाफट से गाइस यार यहाँ पे निकलते हैं एंड देखते हैं गाइस यार ये आखिर कितने में जाती है। अभी यार ये अच्छे खासे पैसों में तो जानी चाहिए क्योंकि गाइस यार ये एकदम एडवांस लेवल की बाइक है या जो भी है मतलब कि इसको क्या ही बोलूं मैं इसका नाम ही मेरे को अभी अच्छे से पता नहीं है ठीक है। लेकिन कोई ना देखते हैं आखिर हमें इसके कितने पैसे मिल पाते हैं। लेट्स गो एंड यहाँ पे जो ये ज़्यादा दूर नहीं है बहुत ही पास में है चलो ठीक है। सो ऑलराइट गाइस यार अभी हम आ चुके हैं भाई अपने शोरूम के पास में। सो ठीक है भाई आखिर वो कहाँ है शोरूम ओके अंदर की तरफ है एंड देखते हैं गाइस यार ये आखिर कितने में जाती है गाड़ी। लेट्स गो चलो ठीक है अरे वेट यार बारह थोड़ा सा ओके ठीक है गाइस यार यहाँ पे जो है अपनी बाइक है जो भी है इसके जो रेट है गाइस यार अगर हम बिना ऐड के देखेंगे तो गाइस यार हमें मिलेंगे 30,000 रुपए एंड अगर गाइस यार हम अगर ऐड देखते हैं तो यार हमें इस गाड़ी के जो है 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब गाइस यार हमें क्या देखना चाहिए ये तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो। सो ठीक है हम लोग यार ऐड ही देखना पसंद करेंगे क्योंकि गाइस यार इससे हमें करीबन 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। ऑलराइट गाइस यार अभी जो हमने ऐड को देख लिया है एंड यहाँ पे जो है भाई हमें करीबन कितने पैसे मिले हैं
ओके गाइस यार यहाँ पे जो हमें 1.5 लाख रुपए मिल चुके हैं। अभी जो हमने यार इस गाड़ी को अच्छे खासे पैसों में बेच दिया है। एंड गाइस यार अब जो ये पैसे हैं ये फटाफट से हमें लेके जाने पड़ेंगे वेरा के पास में, ताकि गाइस यार इन पैसों से हमें भी कुछ मिल जाएगा एंड कुछ वेरा को भी मिल जाएगा। लेकिन गाइस यार वहां पे जाने के बाद में आखिर वेरा हमें कहने क्या वाली है ये तो गाइस यार बिल्कुल ही पता नहीं है हमें। अभी के लिए तो गाइस यार हम लोग जो है कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत फील लेते हैं, क्योंकि गाइस यार हमें जो है इस सिटी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है कि आखिर यार इस जगह पे और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा एंड आगे जो है क्या क्या होने वाला है। गाइज यार इसका पार्ट टू अगर आप लोगों को यार ये पसंद आया तो प्लीज गाइज यार पार्ट थ्री के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर से बता देना, मैं आप लोगों के लिए गाइज यार पार्ट थ्री भी जरूर से लेकर आऊंगा। अगर गाइज यार आप लोगों को यार ये गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज गाइज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड साथ ही साथ अपने भाई के चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज यार आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गाइज यार बाय बाय। With the